माइस्टर संतोष, आप सभी का स्वागत करते हैं लक्ष्य कहे नगरी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो डे टू डे हम लोग जो है इनकम टैक्स से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के साथ बीकॉम के लिए भी इम्पोर्टेंट्स है। बीकॉम के जो पार्ट थ्री स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट्स हैं ही, यूपीपीसीएल के इम्पोर्टेंट्स हैं, सभी परीक्षाओं के लिए जिसमें ये पूछे जाते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट्स हैं कॉमर्स से रिलेटेड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली टैक्स फ्री अलाउंसेज के बारे में। सैलरी के 3 भाग होते हैं, एक फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेज, फुल्ली टैक्स फ्री अलाउंसेज और पार्टली टैक्सेबल और पार्टली टैक्स फ्री अलाउंसेज। तो हम लोग पढ़ेंगे पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली टैक्स फ्री अलाउंसेज, मतलब पूर्णतः नहीं, अंशतः करयुक्त और अंशतः करमुक्त। कुछ राशि इसमें आपको जिस पर टैक्स देना होगा और कुछ राशि जो है टैक्स फ्री होगा। तो इसमें एक है सबसे पहले हाउस रेंट अलाउंसेज, मकान किराया भत्ता। इसके लिए एक शर्त है कि एम्प्लॉय को स्वयं के घर में नहीं रहना होगा, किराए पर मकान लिया हो और उसमें रेंट पेड कर रहा हो, उसके लिए जो भत्ता मिलता है तो उसमें कुछ टैक्स होगा और कुछ टैक्स फ्री होगा। तो इसके लिए कुछ प्रोविज़न है कि कैसे इसकी गणना करते हैं, हाउस रेंट अलाउंसेज की गणना कैसे करते हैं, कि कितनी राशि करयुक्त होगी कितनी करमुक्त होगी। तो इसके लिए प्रोविज़न है एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जो वास्तविक आपको प्राप्त हो रहा है किराया, और आप जो रेंट पेड कर रहे हैं, या रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, और या 40 या 50% ऑफ सैलरी, इन तीनों में से जो कम हो वह राशि एग्जम्प्ट होगी। अब हम लोग समझते हैं, और जो शेष होगी वह टैक्सेबल होगी। टैक्सेबल के लिए एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव होगा एग्जम्प्ट वैल्यू। सैलरी का अर्थ है जिसमें आपको बेसिक पे आए, डियरनेस पे आए और कमीशन ऑन सेल्स, इन तीनों में सैलरी में इंक्लूड होना चाहिए। वह सैलरी लेंगे इसका 10%। अब रहा 40% और 50% कहाँ लगेगा। तो 50% वहाँ लगेगा जो कि मेट्रो सिटी शहर है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में 50% लेंगे किसका, सैलरी का, और रेस्ट ऑफ अदर शेष को छोड़कर, मेट्रो सिटी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को छोड़कर या मेट्रो सिटी को छोड़कर अन्य सभी, होल ऑफ इंडिया पूरे भारत में 40% लेंगे। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। तो महत्वपूर्ण नोट यह है कि अगर इम्प्लॉई स्वयं के घर में रहता है तो एचआरए नहीं मिलेगा, एग्जाम नहीं मिलेगा, टोटली राशि टैक्सेबल होगी, उसमें एग्जाम नहीं मिलेगा, टैक्स फ्री नहीं होगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा एचआरए। जो हाउस रेंट अलाउंसेज आपको जो है उस पर पूरा की पूरी राशि पर टैक्स देना होगा, अगर एम्प्लॉय स्वयं के घर में रहता है तो। यदि किराए में रहता है तो उसका कुछ भाग पर टैक्स देना होगा और कुछ भाग पर टैक्स नहीं देना होगा। कुछ भाग पर जो टैक्स नहीं देना होगा उसके लिए प्रावधान ये है कि जो आपको एक्चुअल अमाउंट प्राप्त हो रहा है, वास्तविक जो किराया प्राप्त हो रहा है अलाउंस, उसके बाद जो रेंट आप पेड कर रहे हैं, सपोज डेट आपको 100 रुपया भत्ता मिल रहा है और आप 80 रुपया पेड कर रहे हैं, तो ये हो गया। और माइनस इसमें 10% ऑफ सैलरी, अगर सैलरी आपका 200 रुपया है तो उसका 10% यानी 20 रुपये। इसी तरह 40 या 50 पर, अगर दिल्ली में रहता है तो 200 का 50% करेंगे तो कितना हो गया 100। अब तीनों में जो कौन है तो 80 में से 20 गया कितना 60, तो ये आपका हो गया 100, 60
और 60, यानी 60 रुपया एग्जम्प्ट होगी और टैक्सेबल कितना होगी, तो जो एक्चुअल अमाउंट मिल रहा है 100 रुपया माइनस 60, यानी 40 रुपया टैक्सेबल होगी। इस तरह आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इन प्रोविज़न को याद रखना है, उसके बाद आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो ये रहा पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली टैक्स फ्री अलाउंसेज का पहला जो है अलाउंसेज, हाउस रेंट अलाउंसेज का प्रोविज़न, मकान किराया भत्ता निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड हो गया उसको, और रेंट पैड माइनस 10% ऑफ सैलरी और 40 या 50% ऑफ सैलरी, तीनों में से जो कम हो वह राशि एग्जम्प्ट होगी, और टैक्सेबल हुआ होगी जो अमाउंट एक्चुअल आप रिसीव्ड कर रहे हैं ये, और उसमें से एग्जम्प्ट वैल्यू जो निकाले हैं उसको घटा देंगे तो आपको टैक्सेबल राशि निकल जाएगी। सैलरी के लिए लेते हैं बेसिक पे और डियरनेस पे, और प्लस जो आप कमीशन को आप मिल रहा है ऑन सेल पे हुआ, और 40% कहाँ लेंगे और 50% कहाँ लेंगे आप देख ही सकते हैं। तो 40% के लिए जो नॉन मेट्रो शहर है उनको लेंगे, और मेट्रो शहर पर दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई 50% लेंगे। अगर मेट्रो शहर का जिक्र नहीं किया है, अगर वहाँ पर मेट्रो है तो आप 50% ही लेंगे। ध्यान रहे अगर आपको लखनऊ बोल दिया तो लखनऊ में मेट्रो सिटी है, पटना बोल दिया, अब मेट्रो वहाँ पर भी अगर बोल दिया पटना, जहाँ मेट्रो नहीं चल रहा है अभी, चलेगा इन फ्यूचर, लेकिन लखनऊ में तो है, तो लखनऊ आप 50% ही लेंगे इस तरह। और यदि एम्प्लॉय स्वयं के घर में रहता है तो HRA जो है फुल्ली राशि टैक्सेबल होगी, उसमें पार्टली का बात ही नहीं आता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव यू एनी क्वेरी प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।